अरे तेरे को छोड़ के कहाँ जाएगा, ऐसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ भाई। अरे सर्दी हुआ तेरा, याद रखना सर्दी हुआ, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, ठीक है? डाइट डाइटिंग डाइटिंग चल रहा है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था मेरे गाड़ी से टाटा का जो गाड़ी है, इसने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था, अभी वो तोड़ फोड़ गया है। और मैं भी खाओ बिल्ली तो बड़ा बिल्ली ब्लड डोनर करने आया था व्हाइट ब्लड विकी डोनर। हाँ विकी डोनर दीवार को ठोक दिया था ऐसा अपना घर का दीवार। सुबह सुबह उठ के मेरे फादर को ड्राइविंग सिखा रहा था, ब्रेक की जगह इसने उधर को दबा दिया। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त भारत माता की जय। हवा खाने को चाहता है। उस दिन कहाँ गया था? गजनपुरी। क्या क्या खाया? मुर्गी खाना हो गया तो मटन इंटेस्टाइन का चाउमीन, और उस दिन हम खाया था पोर्क का पिज्जा। बोलेरो आंटी बोलेरो नहीं चला था, हम चला। अरे वाह भाई, मॉनसून कैंपिंग के लिए वेदर इतनी बढ़िया है ना, क्या ही बताओ आप लोगों को। बारिश आए तो टेंट के अंदर रहो, बारिश रुक जाए तो बाहर आओ, बातचीत करो, फिशिंग करो, खाओ, काफी मस्त है वेदर फिलहाल। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे, बारिश आ रहा है मतलब ज्यादा नहीं, छोटा छोटा अमाउंट। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम लोगों को पता है बिग बॉस का फिनाले होने वाला है वेरी सून, एंड बिग बॉस हर जगह छाया हुआ है भाई। जिसका भी स्टोरी देखो, जिसका भी स्टेटस देखो भाई, बिग बॉस जो कि फुकरा इंसान एलबीएस यादव, ये दोनों का ही चर्चा चल रहा है जिधर भी, और बाकी कंटेस्टेंट का तो कुछ बात ही नहीं है, तो उन दोनों का ही दिखता है। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों ने किसको वोट किया। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है बिग बॉस ओटीटी का आज फिनाले है आज रात को, तो बताएं आप लोगों ने किसको वोट किया। तो भाई मैं बता दूं, मैंने वोट किया एलवीश यादव को, एंड देन मैंने बहन का सेलफोन से वोट किया फुकरा इंसान को, तो मैंने दोनों को भी वोट किया। अभी पता नहीं, अभी भगवान के हाथ में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, आई मीन फैंस के हाथों में, जिसको ज्यादा वोट मिला वही जीतेगा। तो हाँ वही, आई एम वेरी एक्साइटेड कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा भाई, बहुत ही हाइप चल रहा है यार, मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को, इतना सपोर्ट मिल रहा है भाई, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं, ठीक है बिग बॉस के लिए इतना सपोर्ट है भाई, मतलब पहली बार दो यूट्यूबर गए हैं तो हाँ इसलिए बहुत सपोर्ट मिला है, एंड होना भी चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, आज रात को पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा भाई, मतलब ठीक है विनर सबको है, लेकिन जो ट्रॉफी लेके जाएगा वो कौन होगा। लेकिन मुझे पर्सनली जो लगता है वो है एलवीश यादव, ठीक है एलवीश यादव जीतेगा ऐसा लग रहा है, देखते आज रात को पता चल जाएगा। एनीवेज आप लोग वोट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखो आप लोगों को भी करना चाहिए, क्या पता हम भी एक दिन चले जाए, हु नोस, यू नेवर नो, ठीक है। तो हाँ वोट करना चाहिए, वोट कीजिए। बातचीत तो हो गया, अभी मैं ऊपर आया था थोड़ा काम के लिए, अभी नीचे जाता हूँ, इसका काम अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़े दिन बाद दिखाऊंगा। चल रहा है काम, चल रहा है, आज मिस्त्री आएगा बोला था काम करने वाले, पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन इस बारिश में काम होगा कि नहीं पता नहीं। भाई इधर का व्यू देखो, डर ही लगता है भाई। अभी हम पियेंगे चाय, चाय यानी कि वो दूध वाला चाय नहीं, ब्लैक टी। देखो ये वाला, ए बिल्ले, ए गर्भवती औरत, पानी कुछ निकाला, वो लोग शुरू हो गए। खाओ, और मैं भी खाओ, बिल्ली तो बड़ा बिल्ली बड़ा बिल्ला, मेरे को बिल्ली से कंपेयर कर दिया है। और खाने में क्या है? खाने को छोड़ो ना, तो कल गाड़ी चला के मस्त लगा, आज भी जाना पड़ेगा। हाँ कहाँ होगा, क्यों नहीं होगा, दो दिन बाद जाना, ऐसे होने से भूल जाएगा ना? नहीं भूलेगा, एक ही दिन सीखा के दो दिन बंद नहीं, आज बारिश ज्यादा है मजा नहीं आएगा, कमेगा ना वो, शाम कुछ है अभी तो नहीं है ना कहीं का जाने का प्लान है तेरा? प्लान नहीं है, अरे बारिश में कौन चलाता है कार, है बारिश में कोई सीखते है क्या? जाएगा देखना नहीं आएगा, देखो खत्म कर दिया, खत्म, उसको और चाहिए होगा। तू खत्म किया? नहीं मेरा दो बाकी है। तो देखो तुझसे ज्यादा है मम्मी ने इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्लास्टिक में बांध के रखा है बिस्किट, जो कि मुझे भी देती है बीच बीच में। चार था, दो कहाँ चला गया? दो गया घर, चार पाँच, पांच था, पांच बिल्ली, मजा आकर गाड़ी चला के भाई। अभी देखो ये लोग का बहुत मन कर रहा है ना चलाने, अभी भी पांव वहीं पे है कैसा था दिखाओ दिखाओ एग्जांपल दिखाओ, ये क्या है? दबाया था, ओ इससे दबाया था ना, हां इससे क्या है? है अभी भी है, देखो बिल्ली चाट रहे तुम्हारा इससे दबाया था, वो क्या है लेफ्ट साइड वाला, क्या था, क्या था क्लास, और राइट साइड वाला ब्रेक, तो बीच का ब्रेक होता है, और राइट साइड वाला तो क्या था, एक्सीलेटर, ओ एक्सीलेटर मतलब वो पता नहीं है, ये प्रेस दबाना है ये प्रेस कर रहा है वो याद है। बहन का है, उठी नहीं है क्या अभी, बारिश दे रहा है ना, मस्त से सो रही है वो, उसका थ्रोट में भी थोड़ा पेन है इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाए, बुखार भी चढ़ गया उसका। मम्मी बहुत एक्साइटेड, पहले तो सीखने का मन नहीं था, फिर बीच में बोलते है सीखेंगी, अभी तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, अभी सीखेंगे पूरा, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा मेरे को पता है, टाउन में चलाएगा स्कूल से, मम्मी लेके आएंगी, मैं नहीं जाऊंगा अगर कार सीख लिए तो, अगर पापा घर पे नहीं रहे मैं तो नहीं जाने वाला भाई, मैं तो बाहर घूमता रहूंगा, मम्मी जाएंगी लेने के लिए, है कि नहीं? बढ़िया, सीख जाने से क्या तो है, क्या है उसमें ना, बोलेरो आंटी, कोई बोलेरो नहीं चलाता, हम चलाते। अरे वाह मम्मी के लिए तालियां हो जाए, चलाता है फिर मम्मी के लिए तालियां हो जाए कमेंट सेक्शन में, हैशटैग सैल्यूट मॉम टीवी। आज तो सब्जी में क्या बना रहे, कुछ भी नहीं है, दाल कितना खाएगा वही तो, थोड़ा जाना बाजार में, जाना बाजार जाऊँ, बारिश सब्जी अच्छा दिखता है तो लेके आ, बारिश में आज वो बना दो ना आलू चोखा, खत्म हो जाएगा तो ना, हो जाएगा, और मैं चलता हूँ बाहर, कुछ काम है मेरा, मम्मी बनाते रहेंगे खाना।
यार गाड़ी बंद करके मुझे अंदर आने को बोल रहे ना। अभी बात क्या है? बात तो बात है, तो जाना है टाटा सर्विस सेंटर में। टाटा सर्विस सेंटर जाना है इसको, क्योंकि उस दिन मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था मेरे गाड़ी से। टाटा का जो गाड़ी है इसने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था, अभी वो तोड़ फोड़ गया है एंड वो अभी शोरूम पे है। सीट बेल्ट पहनो भाई, बज रहा है। और उसका गाड़ी का देखभाल कैसा हो रहा है देखने जा रहे? काम कितना जाएगा बोला? 1.5 लाख? 1.5 लाख नहीं यार, तो 50,000। ओह माय गॉड, फुक के भी इतना पैसा रहता है तेरे पास? वाह, टेस्टिंग के लिए ना, टेस्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी सब बोलते हैं ना, मतलब टाटा स्ट्रांग है, टाटा स्ट्रांग है, इसलिए ट्राई किया था। ट्राई किया, वालू रह दिया कुछ भी भाई उधर बहुत बारिश दे रहा था, देखो इधर बारिश ही नहीं है भाई गाँव में। स्कैम हो गया। ओ इधर शुरू है भाई, उधर नहीं था, बीच में नहीं है। और ये लोअर असम का बड़ा हॉस्पिटल, लोअर असम का लोअर असम हॉस्पिटल जहाँ पे एनजे एक बार भर्ती हो चुका है, ब्लड डोनेट करने आया था। पानी था, वेदर काफी मस्त है, आज कहीं घूमने जाना था। भाई साहब अभी हम जिस जगह में है दिखाओ भाई थोड़ा उधर, दिस इज कॉल्ड मायापुरी ऑफ बोंगाईगांव, माया नगरी है। तो दिस इज कॉल्ड मायापुरी, एओसी रोड बोलता है उसको। वो एक जगह भी है जिसका नाम है पगला स्थान बोलते हैं हम लोग उसको, पगला स्थान। देखिए उधर पगला स्थान के बाद मायापुरी, तो 15 अगस्त इधर ही होगा। देखो इधर पैरेट वगैरह इधर ही होता है, मेला भी इधर ही होता है। एंड अभी ये है बोरो बाजार, ठीक है, बड़ा सा बाजार है जो कि वहाँ का बोरो बाजार है। एंड दिस इज बागेश्वरी मंदिर का गेट, बागेश्वरी मंदिर। हाँ, शादी वगैरह बहुत बड़ा बड़ा पूजा होता है, शादी ज्यादा करते हैं यहाँ पे आके। तू भी देरी कर लेना। नहीं हम तो घर पे करेंगे, मजा आएगा। तो भाग के इधर कर, भाग के इधर शादी कर लो। किसके साथ? सब्सक्राइबर में लो, क्योंकि रोज दिखता रहेगा जगह, आपको भी थोड़ा पता होने से अच्छा होता है। गाड़ी का मरम्मत देखेंगे जाके, इसका टाटा का माथा फट गया वैसे। 50,000 से 60,000 जाएगा इसका बेचारा। इतना कोई टेस्ट करता है क्या गाड़ी का? ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, पागल है। ये पहुंच गया, यही सर्विस सेंटर है। सो दिस इज द बोंगाईगांव टाटा सर्विस सेंटर, सॉरी लोअर असम का सबसे बड़ा टाटा का सर्विस सेंटर है। अच्छा जी, इधर से पहाड़ का व्यू भी काफी मस्त है। वो देखो मजा। चलो हाईलैंड का कपड़ा पहनते हुए। तेरा वाला क्या हो गया? मेरा कहीं घूम गया, पता नहीं, बहुत पहनता था मैं। कहां है तेरा गाड़ी? देखा तो भाई साहब, मैं आपको एनजे का गाड़ी दिखाता हूँ, उसका हालत कैसा है। ये रहा उसका कार, देखो इसने दीवार को ठोक दिया था ऐसा, अपना घर का दीवार, ठीक है, ठीक उसी दीवार को तोड़ दिया और सारा ईंट भी गिर चुका है। देखो इधर का हालत देखो, क्या सोच के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था भाई इसने, क्या पागल आदमी है भाई, ऐसा तोड़ दिया ना। यार क्या बोला गाड़ी का? क्या हुआ गाड़ी? वो इंश्योरेंस क्लेम किया ना हम, इंश्योरेंस का सर्वेयर आते है, वो सर्वेयर आने के बाद ही रिपेयर होगा। वो सर्वेयर अभी तक नहीं है, 4 दिन हो गया, फोन किया था मैं उसको, ये क्यों हुआ पता है? 4 बोतल? नहीं यार, नहीं, मतलब मैं सुबह सुबह उठ के मेरे फादर को ड्राइविंग सिखा रहा था, तो मेरा फूंक दिया। तो मेरा फादर ने क्या किया, ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर को दबा दिया। क्या बोलते इसको? इंटेस्टाइन, बकरी का मटन इंटेस्टाइन का चाउमीन। और उस दिन हम खाया था पोर्क का पिज्जा। क्या देखो दादी आ गए घर पे, हम लोग खुलने को जाएगा। खुलने को जाएगा कहाँ? गांव में हवा खाने को चाहता है। उस दिन कहाँ गया था? गजनपुरी। क्या क्या खाया? मुर्गी खाना हो गया तो, और बारा मुंछो खा लिया। अरे बहुत खाया। तो दादी आ गई घर पे, बाहर जा रही है घूमने, मैं भी आ गया एनजे को छोड़ के। कल इंडिपेंडेंस डे है वैसे, 15 अगस्त है कल, तो घर पे झंडा लगाना है। अभी क्या खाएगा? नहीं खाएगा, झंडा लगाएगा। झंडा लगाएगा, झंडा भाई। इनको तो बस घूमना है भाई, अभी वो रिलेटिव का घर से आई है तो कुछ दिन घर पे रहेगी एंड और दूसरे रिलेटिव के घर घूमने जाएंगे, तो उनका यही चलता रहेगा बस। एज होने के बाद इंसान को ऐसे घर घर जाकर टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, मतलब डिस्कशन करने में। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, भारत माता की जय। वैसे जगह बना के रखेंगे, कल सुबह को लगाएंगे।
इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है कल या 77। और बताओ सर्दी कैसा है? अरे वाह, कान का बहुत मस्त लग रहा है जी। है सुंदर दिख रहा है बहुत। कल, कल 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 आज से सिर्फ आंसू बह रहा था, आज भी बह रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया। बहुत दुख खुशी था कल। सांस लेके दिखाओ, लंबा सा छोड़ो। ची निकल गया, छोटा सा निकला। तो अभी मैं लुका छुपी खेल रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको कमरे से पुकारा और मैं उधर चेयर के पीछे छुपा था, वो वाला चेयर के पीछे। भाई वो इधर से भाग के आई, उसने मुझे देखा नहीं भाई, रास्ता तक चली गई, मेरे को ढूंढते रहे, रास्ता तक चली गई भाई। क्या चश्मा नहीं पहना। तो हाँ भाई, कल इंडिपेंडेंस डे है एंड हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, अभी थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा दोस्त के साथ। तो एंजॉय पूरा रास्ता पे मार्च पास करूंगी, गांव का रास्ता। तो हाँ, यही कल हम लोग कहाँ जाएंगे उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अभी जाके उधर थोड़ा बातचीत करेंगे चाय पीते, ठीक है। अगर नहीं जाना होता है तो नहीं जाएंगे भाई, घर पे उठाएंगे झंडा वैसे भी, है कि नहीं? क्या, किधर जाएगा मुझे छोड़ के? अरे तेरे को छोड़ के कहाँ जाएगा, ऐसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ भाई। अरे सर्दी हुआ तेरा, याद रखना सर्दी हुआ, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, देखो भाई का कॉल भी आ रहा है। तो हाँ, शायद हम लोग घूमने जाएंगे या फिर नहीं भी जा सकते। एनीवेज अभी डिस्कशन करके पता चल जाएगा, ठीक है, आप लोग को बता दूंगा। चाय चाय रस्ते के बाजू में चाय का अड्डा। लेकिन कल हम लोग नहीं जा रहे कहीं पर भी, ये डिसाइड हो गया भाई, कल कहीं नहीं जा रहे, कल घर पे रहेंगे भाई। वैसे मेरा फ्लैश काम नहीं करता है भाई साहब। अभी हम लोग खाएंगे खाना, डाइटिंग डाइटिंग चल रहा है, डाइटिंग चल रहा है। मेरे लिए डाइट कोक लेके आना जरा। क्या लेके आओ? डाइट कोक उधर है फेंटा। ले खा चुपचाप, डाइटिंग का बात। ग्लास, ये रहा ग्लास, खा ले पी ले। ये लेके क्यों आया मेरे को नहीं पता। वैसे मेरे को खाना खाना है अभी, तेरे को खाना नहीं है तो जाए यहाँ से। ना मैं बात करूंगी ना, डाइटिंग करेगी, ज्यादा नहीं पी सकती, बस इतना ही पीऊंगी क्योंकि खांसी है। देखो भाई इसका सर्दी हुआ है, ठीक है, फिर भी इसको पीना है, वो भी ठंडा। दर्द नहीं होता हमें, खाना तो खाती नहीं है। टिश्यू जाती है फिर भी फास्ट फूड। रो मैं बोलती हूँ ना, मैं डाइटिंग इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि मतलब मैं करती नहीं है, झूठा वाला है। अभी मोमो खाया था इसलिए नहीं करे, मतलब मैंने डांस शुरू कर दिया इसलिए थोड़ा डाइट। असल में भैया को जरूरत है डाइटिंग का, लेकिन वो कहाँ करेंगे। मैं तो जिम जा रहा हूँ, जिम बॉडी बनाएंगे, बॉडी सपने में। रात में खाना खाना चाहिए थोड़ा होने से भी। तो दिन में भी नहीं खाती है, रात में भी नहीं खाती है। दिन में खाली फास्ट फूड, ओनली फास्ट फूड, खाली मोमो चाउमीन चिप्स। ना चिप्स बहुत महीना हो गया मैंने खाया ही। किसने फरमाया है भैया? वन क्वेश्चन प्लीज आंसर इक्वल। क्या आपका आपकी लिखा है, मतलब वही लड़की लड़की समझ के रखा है क्या मेरे को? क्या आपका फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के बाद डायरेक्ट 1K या 2K व्यूज एक दिन में ही हुआ क्या? तो भाई ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पहली बात, डायरेक्ट व्यूज किसको मिलता है भाई? किसी को नहीं मिलता, ठीक है। अगर वीडियो शेयर होता है तो हो गया, लेकिन 1K 2K ऐसा किसी का नहीं आता है सीधा। और आप उसका हिसाब भी कैसे देंगे, ठीक है? आज अपलोड किया, कल थोड़ा ज्यादा व्यूज हो गया, परसों थोड़ा ज्यादा व्यूज आ गया, तो उसे बढ़ता रहा। नया नया वीडियो अपलोड किया, उससे ज्यादा ऑडियंस आया, उसको देखा। फर्स्ट वीडियो में तो आता है लेकिन डायरेक्टली नहीं आता है भाई, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तभी आएगा। एंड गाइस, हम लोग का इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, रील्स आ रहे हैं उधर में जल्दी से, आता रहेगा आपसे, ठीक है। जरूर देखिएगा एंड फॉलो करके रख लीजिएगा। मतलब एक भैया ने, भैया या दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा, फरमाया है कि मतलब, बस मैं गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करी हूँ। उन्होंने बोला कि #छपरी1 वेयर व्हाइट सनग्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा सनग्लासेस नहीं था, वो मेरा वो अच्छा, पावर वाला ग्लासेस है क्योंकि मुझे आँख से दिखता नहीं है नॉर्मल आँखों से। जिसको लगता है वो ऐसे जीरो पावर वाला लगा रही ना भाई, अच्छे से देख नहीं पाती वो चीजों को, एंड उसका सर चकरा जाता है, तो उसी के लिए वो पावर वाला चश्मा है भाई, छपरी नहीं है। और वो सनग्लासेस भी नहीं था। वैसे वो फ्रेम जो है वो छपरी वाले भी होता है, ठीक है, वो बात सही है। वो दुकान में और कुछ था भी नहीं, बाकी सब छपरी था, मुझे बस ये सिंपल लगा मेरे लिए, मैंने वो ही लिया। असल में मुझे वो भी नहीं चाहिए था। एक ना एक मोमेंट पे सबको छपरी है, सबको अच्छा भी है, सबको छपरी भी है, सबको नल्ले बेरोजगार भी है, ठीक है। आप लोगों को मेरा आईडी बहुत जानना है MLVV का, लेकिन मैं नहीं दूंगी, हम नहीं देंगे क्योंकि मुझे भी खेलना नहीं आता, खुद का नाम खराब क्यों करा। मजाक बड़ी कर लेते हैं। और किसी ने COC का भी मांगा है, शुक्लांश। हाँ। वो मैं बहुत खेलता था लेकिन। तो हाँ जी, आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं, आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा, वैसे अभी बोरिंग दिन था आज भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।